अक्सर जैसे फाइब्रॉइड होता है या बच्चेदानी के अंदर रसौली होती है तो मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और जैसे जैसे इस फाइब्रॉइड का साइज या रसौली का साइज बढ़ता जाता है ये लक्षण और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ब्लीडिंग बहुत जल्दी होने लगती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, मरीज को खून की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि मरीज का बीपी कम हो जाता है, मरीज को कमर दर्द, पेड़ों में दर्द, पेट का फूलना, ये सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये अनबियरेबल चीज़ें हो जाती हैं तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बनता, बचता है कि आप बच्चेदानी को निकलवा दें। दूसरा, कुछ केसेस में अगर सर्विक्स का या बच्चेदानी का या जो ओवरीज होती हैं अगर उनका कैंसर हो जाता है तब भी बच्चेदानी को निकालने की सलाह दी जाती है। इसको करते कैसे हैं? तो देखिए, हिस्टरेक्टमी का मतलब होता है जो आपका यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, अगर उसको बाहर निकाल दिया जाता है काट के सर्जरी करके, तो इस प्रोसीजर के नाम को हिस्टरेक्टमी कहते हैं। इसके तीन तरीके जनरली होते हैं। पहला तो होता है कि भाई एब्डोमिनल हिस्टरेक्टमी, जो बहुत पहले से चला रहा है, एब्डोमिन पे चीरा लगाते हैं और आपका जो यूट्रस है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, आपको बेहोशी की हालत में ये इलाज किया जाता है। अगर आप वजाइना के थ्रू निकालते हैं तो उसको वजाइनल हिस्टरेक्टमी कहते हैं, जो कम पेनफुल होती है और आपको अस्पताल में एक या दो ही दिन रुकने की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा एक तीसरा तरीका और होता है जिसको लेप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी कहते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, कैमरा जाता है, छोटे छोटे दो इंसिजन लगा के यूट्रस को उसी के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। हालांकि तीनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है और अभी एडवांस टेक्निक्स हैं तो जनरली लोग लेप्रोस्कोपिक या वजाइनल हिस्टरेक्टमी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो मान लेते हैं कि भी आपने डिसीजन ले लिया कि अब आपको हिस्टरेक्टमी करानी ही है और आपने अपना हिस्टरेक्टमी करा भी लिया, तो अब सवाल उठता है कि भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। तो उसके कुछ तो ड्यूरिंग सर्जरी ही इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ होते हैं जो आपको सर्जरी के बाद या छुट्टी के बाद भी आपको दिखाई देते हैं। तो ड्यूरिंग सर्जरी कई बार होता है कि आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसको इंजरी हो जाती है। कई बार जो आपके यूरेटर है, जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बाद बीच में पाइप होते हैं यूरेटर, उनकी इंजरी हो जाती है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं और ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है इस सर्जरी का। कई केसेस में हैवी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग भी होने का डर बना रहता है। कुछ 1.3% केसेस में ऐसा होता है। तो आपको अपने सिम्टम्स को, साइंस को वॉच करना चाहिए। अगर आपका पेट फूलने लगे या आपका ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग आने लगे, पैड बहुत ज़्यादा गीला हो जाए, तब आपको फौरन अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पोस्ट हिस्टरेक्टमी। साथ ही कई बार सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है या पेट के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है किसी कारणवश, तो उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको बुखार आने लगे, आपके वूंड के आसपास रेडनेस हो, वहाँ पे कोई आपको पस कलेक्शन दिखने लगे, तो ये सिम्टम्स आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेली ड्रेसिंग कराएंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपको बुखार आ जाता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अपने डॉक्टर को फौरन इन्फॉर्म करें बिना किसी देर के। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है तो कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी आते हैं या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं इस सर्जरी के बाद। अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करते हैं तो आपको कुछ वजाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ पे आपको ड्राइनेस महसूस हो सकती है, इसके अलावा इन्फेक्शन का खतरा भी वहाँ पे आपको बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं आपके, कुछ आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट आ सकते हैं। आपको एंजाइटी जैसा महसूस होने लगता है, आपको नींद के डिसऑर्डर्स आते हैं, तो आपकी नींद बहुत कम हो जाती है, आप सैड रहने लगते हैं, इवन कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज डिप्रेशन की तरफ भी जाने लगता है। उसके अलावा जो कुछ रिस्क है जो आपको पता होने चाहिए वो बढ़ जाते हैं। आपका वेट अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, और क्योंकि ओबेसिटी हो गई है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है, तो उसके साथ साथ आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियों या हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसके बाद, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर या बहुत सारी आर्टरीज से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। मुझे मालूम है कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये वो जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको कोई भी सर्जरी का डिसीजन लेने से पहले इन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी आस्पेक्ट है या पार्ट है इस वीडियो का, कि आपने सर्जरी तो करा ली, अब अपनी देखभाल कैसे करें, सर्जरी के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रिकवरी में आपको कितने समय लगता है, उसके बारे में आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो आपका हिस्टरेक्टमी के बाद का जो रिकवरी है वो टाइप ऑफ सर्जरी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने वजाइनल हिस्टरेक्टमी कराया है या आपने लेप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी कराया है तो करीब 3 से 4 हफ्ते में आप ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने एब्डोमिनल हिस्टरेक्टमी कराया है तो आपको 4 से 6 हफ्ते लगते हैं पूरी तरीके से रिकवर होने में, लेकिन उसके साथ साथ बाकी और आपको प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। आपको
कम से कम 2 हफ्ते तक ड्राइव नहीं करना चाहिए बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद या हिस्टरेक्टमी के बाद। उसके अलावा कम से कम 6 हफ्ते तक आप कोई वेट ना उठाएं, हल्का फुल्का कोई थैला उठा लें। दूसरी बात है, आपको करीब 6-7 हफ्ते तक एक वीकनेस, कमजोरी, फटीग जैसा महसूस होगा, तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। आप 6-7 हफ्ते में जब आप रिकवर हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो आपको पहले वाला स्टेमिना वापस आ जाएगा। आपको कुछ स्पोटिंग या वजनल डिस्चार्ज भी आ सकते हैं और ये करीब 8 हफ्ते तक रहते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको हैवी या बहुत ज़्यादा स्पोटिंग होती है या ब्लीडिंग दिखने लगती है, तो फिर आपको फौरन अपने डॉक्टर को इंटीमेट करें। उसके अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आपकी रिकवरी फास्टर हो जाए, आप रिकवरी को कैसे फास्ट कर सकते हैं, देखिए उसके लिए आपको 24 घंटे के बाद धीरे धीरे हल्की फुल्की वॉकिंग करनी शुरू करें और उसको आप कंटिन्यू रखें। करीब 2 हफ्ते तक हल्की वॉक करें, बहुत तेज़ वॉक नहीं करना है, हल्की फुल्की वॉक जरूर करें। घर में भी आप टहल सकते हैं, इससे आपकी रिकवरी थोड़ा तेज़ हो जाती है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है जो आपकी रिकवरी में मदद करता है। करीब 2 हफ्ते तक पूरी तरीके से आराम करें, कहीं इधर उधर ना भागें, ना जाएं, कुछ हड़बड़ी ना करें, पूरी तरह 2 हफ्ते आराम करेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी। अपने वुंड का पूरी तरीके से ध्यान रखें, जो भी डॉक्टर ने आपको एक ड्रेसिंग का शेड्यूल बनाया उसको जरूर करें और एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कराएं, क्योंकि अदरवाइज अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो रिस्क हो सकता है आपके लिए। उसके अलावा आप ऐसे कपड़े ना पहने जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, लूज कपड़े पहने तो इससे हीलिंग अच्छी होगी। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें कि आपके वुंड पे सीधे पानी ना जाए, नहाते समय खासतौर से वुंड को कवर कर लें, किसी किंग रैप वगैरह से कवर कर सकते हैं, सो दैट वहाँ पे पानी ना जाए, पानी जाएगा तो फिर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा वुंड के अंदर। उसके अलावा आपके डॉक्टर ने जो भी आपको दवाइयाँ दी हैं, प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशंस हैं, उनको रेगुलर खाएं, उनको स्किप ना करें। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा सब्जियाँ खाएं, फाइबर रिच डाइट लें, फ्लूड इनटेक अच्छा रखें और साथ ही साथ लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, हाई प्रोटीन इनटेक रखें, तो इस सबसे आपका वुंड हील जल्दी होगा और आपकी रिकवरी भी तेज़ी से होगी। तो मुझे उम्मीद है आपने डेफिनेटली इसी को जरूर सीखा होगा। और अगर वीडियो वाकई आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट इसका अधिकतर लोगों को फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद।